यार स्ट्रीट स्टाइल आजकल बहुत फेमस हो रहा है, क्योंकि लोगों को रियलाइज हो रहा है कि पूरा टाइम स्मार्ट दिखने से बेटर है कि कुछ कुछ टाइम आप कूल और कंफर्टेबल भी देखो। लेकिन इंडिया में स्ट्रीट वेयर पहन के यो-यो बॉय टिकटॉकर दिखना बहुत आसान है, तो यार क्लासी वाला स्ट्रीट स्टाइल कैसे करें? व्हाट्स अप ब्रो, वेलकम और वेलकम बैक टू बी योर बेस्ट। मैं हूं सान कालरा एंड आज के वीडियो में आई विल टेल यू 6 इजी स्ट्रीट स्टाइल आउटफिट जो आप अभी पहनना स्टार्ट कर सकते हो, एंड हाँ बजट लिंक्स के साथ। जो यो बॉय टिकटॉकर नहीं देखना तो कोई टिप मिस मत करना, एंड एंड में एक बहुत जबरदस्त गिव अवे भी है तो एंड तक देखना। एंड टू लुक योर बेस्ट इन लुक्स एंड पर्सनालिटी अभी सब्सक्राइब करो फॉर 2 न्यू वीडियोस एवरी वीक। सबसे पहली बात, स्ट्रीट स्टाइल ही एक ऐसा स्टाइल है जो कि आपकी पर्सनालिटी को रिफ्लेक्ट करता है। बेसिकली चीनोज और फॉर्मल वेयर में आप स्मार्ट तो दिखते हो, लेकिन यार वही सेम टाइप की चीजें सबने पहनी होती है। लेकिन स्ट्रीट स्टाइल में आप कुछ भी थीम सोच के उसके अराउंड कपड़े पहन सकते हो। दूसरी बात, स्ट्रीट स्टाइल यूनिसेक्स तो होता ही है, ये साथ में आपकी बॉडी की शेप पे भी उतना डिपेंड नहीं करता, तो फर्क नहीं पड़ता कि आपकी मसल्स मोटी हैं, छोटी हैं, मोटे हो, पतले हो, इट इज मोस्टली अबाउट कंफर्ट। आप आराम फील भी करोगे और अच्छे भी दिखोगे। ये आसान और मुश्किल दोनों हो सकता है, लेकिन अगर आपको इसको सिर्फ आसान रखना है तो आप सिर्फ कलर्स और प्रोपोर्शंस के बारे में अच्छे से समझो इस वीडियो में। प्रोपोर्शंस मतलब एक तरीके से उसकी फिट, उसका साइज। दिक्कत ये है कि इंडिया को सारा स्ट्रीट स्टाइल बाहर के कल्चर से उठाना पड़ता है। इंडिया में तो कुछ ही सेलिब्रिटीज हैं जो कि इसको लेके आ पाए हैं, और कुछ इन्फ्लुएंसर तो वो गली बॉय स्टाइल को स्ट्रीट स्टाइल बोलते हैं। एक और दिक्कत ये है कि स्ट्रीट वेयर के नाम पे लोग फेक सुप्रीम या कोई और ब्रांड पहन के घूमते हैं, क्योंकि सबको लगता है कि स्ट्रीट वेयर तो बहुत महंगा होता है, लेकिन ऐसा है नहीं है, सब इस वीडियो में सॉल्व हो जाएगा। फर्स्ट आउटफिट है सबसे आसान। अगर आप जस्ट स्ट्रीट स्टाइल स्टार्ट कर रहे हो तो आपके पास जो नॉर्मल कपड़े हैं ना स्लिम फिट वाले, उसी के अंदर आप किसी एक आइटम को स्ट्रीट स्टाइल वाला लो। जैसे कि अगर आपने एक बेसिक टी शर्ट पहनी है, एक बेसिक ब्लैक जीन्स पहनी है, साथ में व्हाइट स्नीकर्स पहने हैं, तो उसमें आपको सिर्फ इतना करना है कि अपनी टी शर्ट की जगह एक ओवरसाइज टी शर्ट पहनो या बॉक्सी फिट टी शर्ट पहन लो। और हाँ, साथ में जिस कलर की टी शर्ट है उसी कलर की आपको सॉक्स पहननी है, एंड अपनी जीन्स या पैंट जो भी आपने पहनी है उसको रोल करके ऊपर करना है ताकि वो सॉक्स दिखे और टी शर्ट से मैच हो। और थोड़ी सी एक्सेसरी ज्यादा ऐड कर लो। टी शर्ट का ब्रांड मैटर नहीं करेगा, बस सही फिट मैटर करेगी। मैं ऐसी कुछ ओवरसाइज टी शर्ट्स और बॉक्सी फिट टी शर्ट्स के लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ये है सबसे बेसिक स्ट्रीट आउटफिट। वैसे टी शर्ट से याद आया कि अगर 2000 लाइक्स करवा दोगे तो वो वीडियो आ जाएगी जिसमें आपको बताऊंगा कि कौन सी टी शर्ट आपके पास होनी चाहिए एंड हर बजट के लिए लिंक्स। सेकंड सबसे इजी स्ट्रीट स्टाइल आउटफिट है ऑल ब्लैक, एंड इसमें किसी का बुरा लगना बहुत मुश्किल है। ऊपर वही ब्लैक ओवरसाइज टी, नीचे या तो स्किनी डिस्ट्रेस या फिर थोड़ी सी रेगुलर फिट वाली पैंट्स भी पहन सकते हो, साथ में बल्कि स्नीकर्स जो कि स्ट्रीट स्टाइल के लिए थोड़े से जरूरी है। इससे आपके टॉप एंड आपके बॉटम का ओवरसाइज प्रोपोर्शन बैलेंस हो जाता है। बट याद रखो, क्योंकि ये ऑल ब्लैक है तो आपको बहुत सारी एक्सेसरीज पहननी होंगी। मैं रेकमेंड करूंगा सिल्वर कलर की स्टील वाली ही पहनना। एक्सेसरीज वाले वीडियो तो आपने देखा ही होगा, नहीं देखा तो मैं नीचे लिंक दे दूंगा। बस ये स्नीकर्स जो है ना, ये थोड़े से महंगे हैं, तो आप इसी जगह कोई भी व्हाइट कलर में या ऑफ व्हाइट कलर में चंकी या बल्कि स्नीकर्स मंगवा सकते हो। या आपका बजट थोड़ा सा और कम है तो रेड टेप के एक व्हाइट स्नीकर्स आते हैं जिनके नीचे से ब्राउन गम सोल है, वो एकदम स्ट्रीट भी नहीं दिखते, वो एकदम क्लासी भी नहीं दिखते, वो बीच में दिखते हैं। तो आप दोनों टाइप के आउटफिट्स के साथ पहन पाओगे तो आपका काफी पैसे बचेंगे। मेरे को कमेंट्स में बताना अगर इनको मंगवा के इनका रिव्यू करना है तो बहुत बढ़िया है। थर्ड आउटफिट में थोड़ा सा स्ट्रीट लेवल ऊपर करेंगे, लेकिन थोड़ी सी क्लासी वाली स्ट्रीट आउटफिट बनाएंगे। तो इसमें हम पहनेंगे कोई भी न्यूट्रल शेड की पैंट्स रेगुलर फिट में या इजी फिट में, एंड साथ में प्लेन ओवरसाइज टी शर्ट। साथ में हम पहनेंगे बल्कि स्नीकर्स या तो या फिर ऑफ व्हाइट कलर में। एक्सेसरीज बहुत सारी पहनना मत भूलना। ये आउटफिट डेट्स पे बहुत अच्छी लगेगी अगर आप ऐसे थर्ड या फोर्थ डेट पे जा रहे हो सेम लड़की के साथ। अब ऐसी आउटफिट न्यूट्रल कलर्स में बनाने का ये फायदा है कि इन्हीं पीसेस को, इसी टी शर्ट, पैंट्स और इन्हीं स्नीकर्स को आप बहुत अलग अलग और आउटफिट के साथ पहन पाओगे। बट उसके लिए आपको ये करना होगा कि आपको पैंट्स और अपनी टी शर्ट एकदम प्लेन लेनी होगी, इससे आपके बहुत पैसे बचेंगे। अगेन ये भी स्नीकर्स थोड़े 5000 के करीब के हैं, तो अगर आपको थोड़ा सा महंगा लग रहा है तो आप रेड टेप वाले ले सकते हो जो मैंने अभी बताए थे, वो 2000 के करीब के हैं, 2000 से कम के ही हैं। एंड ये जो पैंट्स हैं ये थोड़ी सी महंगी है, मैंने यूनिक्लो से ली थी, करीब 1500 की पड़ी थी, लेकिन यार ट्रस्ट मी एकदम वर्थ इट है। आपने मेरे इंस्टाग्राम रील्स पे देखा ही होगा मुझे इन पे आउटफिट्स बनाते हुए, नहीं देखा तो फॉलो जरूर कर लेना। यार नेक्स्ट आउटफिट में थोड़ा सा और लेवल बढ़ाते हैं। स्ट्रीट वेयर की ना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है कार्गो पैंट्स, मतलब वो सेम पैंट्स में जो बहुत सारी पॉकेट्स होती हैं घुटने पे भी, ऊपर भी, हर जगह। बट इनको आपको पहनना है थोड़ी सी रेगुलर फिट में या फिर और थोड़ी सी वाइट फिट में, इनको स्लिम फिट में गलती से भी मत पहनना। अभी ऑलिव ग्रीन वाली के साथ व्हाइट या ब्लैक या ग्रे टी पहन सकते हो, लेकिन हम थोड़ा लेवल अप करेंगे ग्रीन कलर की एक दूसरी शेड पहन के। लेकिन हाँ, टी शर्ट ओवरसाइज्ड ही रखनी है, आजकल वही ट्रेंड है। साथ में बल्कि स्नीकर्स आप व्हाइट भी पहन सकते हो, ग्रे पहन सकते हो, मैंने यहाँ पे सिल्वर पहने हुए। वैसे तो यहाँ पे सेम वही रेड टेप वाले भी चलेंगे जो मैंने आपको भी बताए थे। एक्सेसरीज आपको फिर से बहुत सारी रखनी होंगी। ये टी शर्ट भी मुझे यूनिक्लो से सेल पे मिली थी 700-750 रुपए के करीब की, मैं लिंक डाल दूंगा नीचे। एंड आपको पता चल गया होगा कि यूनिक्लो मेरा फेवरेट ब्रांड बन चुका है। मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ कि उनसे मेरे को कोलैबोरेशन मिल जाए, मैं मेल डालता रहता हूँ उनको। अब नेक्स्ट आउटफिट उनके लिए जो स्ट्रीट स्टाइल में एकदम घुस चुके हैं एंड उनको बहुत कॉन्फिडेंस आ गया कि वो स्ट्रीट
स्टाइल के कपड़े पहन पाए। यहाँ मैंने पहनी है बैगी जीन्स जो कि मेरे को यूनिक्लो से सेल पे मिल गई थी 900 रुपीज में, साथ में ओवरसाइज टी शर्ट किसी कलर की एंड स्नीकर्स भी बल्कि वाले। ये एकदम ही कूल आउटफिट है, लेकिन एक्सेसरीज अगेन बहुत ज्यादा जरूरी है। यहाँ पे भी 500-600 रुपए की मिल गई थी, आपने बजट शॉपिंग चैलेंज में देखा ही होगा। वैसे जनरली ओवरसाइज टी शर्ट इतनी सस्ती मिलती नहीं है, लेकिन आपका भाई स्टड ढूंढ लेता है ऑनलाइन। लास्ट आउटफिट में ऐसा स्ट्रीट स्टाइल है जो कि आप आसपास जा रहे हो तो भी पहन सकते हो, लेकिन हम उसमें ना थोड़ी सी टेकवेयर की फील डालेंगे। टेकवेयर एक तरीके का स्ट्रीट स्टाइल है जिसमें आप एक रोबोट और आप एक निंजा का मिक्सचर लगते हो, लेकिन इसको डेली लाइफ में करने के लिए आप या तो ब्लैक कार्गोज या फिर ब्लैक ट्रैक पैंट्स पहन लो, और साथ में या तो ब्लैक हाई टॉप स्नीकर्स या फिर थोड़े से चंकी वाइट स्नीकर्स, उस पर एक ओवरसाइज्ड वाइट टी शर्ट, एंड बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इस आउटफिट का, एक चेस्ट रिग। बेसिकली चेस्ट रिग आगे लटकने वाला छोटा सा बैग होता है, एंड वैसे भी अब फैनी बैग्स का फैशन तो रहा नहीं, इसी का ही फैशन है अब। साथ में कैप्स एंड एक्सेसरीज आप फील के लिए पहन सकते हो। अब आ जाते हैं एक स्पेशल गिव अवे के लिए, सिर्फ मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए। मैं 1500 लाइक्स होते ही एक गिव अवे कर रहा हूँ एक स्नीकर का, जो कि अप टू 5000 रुपीज का हो सकता है, एंड अगर 3000 लाइक्स क्रॉस हो गए तो मैं दो स्नीकर्स गिव अवे कर दूंगा, दोनों 5000-5000 के। ये गिव अवे सिर्फ मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए, क्योंकि आप लोगों ने मेरे 70,000 क्रॉस करवा दिया यार। तो गिव अवे में पार्टिसिपेट करना बहुत आसान है, मुझे सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को लाइक करो, कमेंट्स में मेरे को बताओ अपने शूज का साइज, उसके बाद आपको जाना है इंस्टाग्राम पे, आपको मुझे फॉलो करना है एंड विराज को फॉलो करना है। मुझे और विराज को फॉलो करने के लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए ही हुए हैं, और मैंने वहां पे सारे रूल्स भी लिखे हुए हैं। तो गिव अवे के लिए ऑल द बेस्ट, एंड लुक योर बेस्ट, फील योर बेस्ट, एंड बी योर बेस्ट।